ये रेल में ज्वाइंट दिख रहा है, इस ज्वाइंट को अभी हम लोग वेल्डिंग के माध्यम से इसको जोड़ देंगे, इस रेल को। इस वेल्डिंग को एल्युमिनो थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। बालेश्वर ये वेल्डर हैं, अभी जो ज्वाइंट यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है इसमें ये एल्युमिनो थर्मिट वेल्डिंग करेंगे। आपको कितना टाइम लगेगा इसको वेल्ड करने में? हैं 30 मिनट। ओके तो शुरू करिए। ये केरोसिन ऑयल डाल रहे हैं ज्वाइंट पर और इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीन करने के बाद में मोल्ड को बांधेंगे और मोल्ड के ऊपर सिंगल शॉट क्रूसिबल और उसके अंदर से पोर्शन वेल्डिंग पोर्शन डालेंगे, उसको टॉर्च करेंगे, उसके बाद वेल्डिंग हो जाएगी। एक एक करके इस सीक्वेंस को देखते हैं। रेल का अलाइनमेंट 1 मीटर लॉन्ग इस स्केल से किया जाता है। वर्टिकल अलाइनमेंट इन्होंने चेक किया है, कितना अलाउड है वर्टिकल अलाइनमेंट में? वर्टिकल है 2 to 2.4। 2 to 2.4 और माइनस में? नहीं, माइनस का नहीं होता। हाँ, इसमें हाइट ही इतनी रखनी, हाइट रखती है, मतलब 2 से 2.4 ये हाइट हो सकता है, ज्वाइंट हाई हो सकता है। ओके, तो इन्होंने लेटरल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट चेक किया और उसके बाद में मोल्ड को बांधा जा रहा है। मोल्ड को जिस फ्रेम में रखा है उसको क्या बोलते हैं? मोल्ड बॉक्स। ये मोल्ड बॉक्स में मोल्ड को फंसाया इन्होंने। मोल्ड को हल्का सा घिस के ये देखा कि वो प्रॉपरली बैठ रहा है कि नहीं, जिससे एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ पड़ा हो तो वो निकल जाए। ये पूरा का पूरा मोल्ड बॉक्स कहलाता है जो भी लगा रहे हैं। ये टेम्परेचर गन है और ये टेम्परेचर गन जो है ये 2000 डिग्री तक रीड करता है। अच्छा, तो इससे लेजर बीम्स निकलती हैं और 600 तक हमारा, मतलब जब हमारा पूरा रेल एंड हीट हो जाता है तब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा 600 डिग्री तक पहुंचा कि नहीं। अभी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इस समय? ये मोल्ड बॉक्स में प्रीफैब मोल्ड फिक्स किया है और फिक्स करने के बाद इसको जो है मोल्ड विंडो से सील कर रहा है। लूटिंग सैंड लगा रहे हैं इसमें, लूटिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से जब लूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, कहीं से भी कोई एयर गैप नहीं रहेगा, उसके बाद हम इसकी प्री हीटिंग शुरू कर देंगे। ये QW टॉर्च है सर। अच्छा, इससे प्री हीटिंग करेंगे। प्री हीटिंग के लिए टॉर्च लगा रहे हैं जी। और इस प्री हीटिंग के लिए एयर पेट्रोल मिक्सचर, हाँ, वो ये है। कितने लीटर पेट्रोल लगता है इसमें एक बार में? एक हीटिंग में 1.2 लीटर लगता है। ये ब्लोअर का प्रेशर हम रखते हैं 100 to 110 lbs, 7 kg/cm² प्लस माइनस 0.7।
टेम्परेचर नाप रहे हैं अभी, जो पूछे कितना मिलेगा बताएंगे। सिंगल शॉट क्रूसिबल रखा मोल्ड के ऊपर, 600 डिग्री। कितना मिला टेम्परेचर? 600 डिग्री। और ये क्रूसिबल को ब्लो कर दिया गया, ये सिंगल शॉट क्रूसिबल है। सिंगल शॉट क्रूसिबल है, केवल एक बार यूज होता है। और अभी रिएक्शन चल रहा है ना इसमें अभी सर, तो ये ऑटोमेटिक टैप हो जाएगा? ऑटोमेटिक टैपिंग। अच्छा, अभी टैप हुआ नहीं अभी। इसने क्या किया अभी उससे? नहीं कुछ नहीं किया, अभी ऑटोमेटिक टैपिंग हो गई है। जो एक्स्ट्रा मेटल है और ये जो स्लैग है, यही बाहर निकल रहा है ना? ये बाहर निकल रहा है। ये क्या कर रहे हैं इसमें? ये एयर निकलता रहे इसलिए थोड़ा सा ऊपर जो स्लैग जमा हो जाता है, ऊपर के स्लैग में हल्का सा होल के, जिससे कि जो एयर वगैरह निकल रहा है वो निकल जाए। उसमें एयर रहती कहाँ? रहती नहीं, वो एक पपड़ी सी बन जाती है, तो थोड़ा सा उसको। ये क्या चीज़ है? ये वेल ट्रिमर है। और इससे क्या होता है? वेल ट्रिमर से इसकी वेल्ड की कटिंग होगी। मोल्ड को हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो मोटा मोटा इससे काट के ट्रिम करके हटा दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल फिनिशिंग ग्राइंडर से की जाएगी। अभी जैसे इन्होंने मेटल पोर किया, पोरिंग हो गई, कितनी देर बाद इसको हटाएंगे? ये अगर मैनुअली कटिंग होती है तो 4 से 4.5 मिनट बाद, चूँकि चीज़ों से काटना होता है तो 4 मिनट बाद ये मोल्ड प्रेशर वगैरह खोल के इसकी सफाई करके तब कटिंग करते हैं। वेल्ड ट्रिमर से होता है तो 5 मिनट बाद, मतलब और थोड़ा टाइम और देते हैं। सर 4 से 6 मिनट बताते हैं इसको, 4-6 मिनट में इसको काटते हैं। मैनुअल में ज़्यादा टाइम लगता है कि ट्रिमर में, मतलब कितना टाइम, किसमें ज़्यादा छोड़ते हैं टाइम? मैनुअल में 4 मिनट से काटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो है इसमें 6 मिनट में शुरू करते हैं तुरंत, इसमें से 5 सेकंड लगता है, 6 सेकंड। ठीक है, 6 मिनट के बाद ही इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेटल तब तक ज़्यादा हीट रहता है तो मेटल बाहर हो जाता है, एक्सेस मेटल जो होता है। कितना टाइम हो गया? तीन मिनट के बाद इसको खोलना शुरू करते हैं, मोल्ड प्रेशर खोल देते हैं। हाँ, अच्छा, 3 मिनट बाद मोल्ड के प्रेशर वाले क्लैम को खोल दिया। क्लैम को खोल दिया। थ्री पीस मोल्ड यूज करते हैं। अच्छा, पहले प्रेशर एप्लीकेटर हटाया, उसके बाद मोल्ड शू हटा दिया, अब मोल्ड को हटाएंगे। साइड में जितना लूटिंग सैंड है उसकी सफाई करेंगे, जिससे कि सैंड सामने से हट जाओ भैया, जिससे कि वेल्ड के अंदर जो है सैंड पार्टिकल्स न जा पाए। ये
नहीं, वेल्ड के अंदर साइन पार्टिकल वैसे भी नहीं आ सकते, वो तो अब तो जोड़ हो गया, जो हो गया है कभी ट्रिमिंग के समय ना जा पाए ना, ट्रिमिंग के समय ना जा पाए। किस कंपनी का ट्रिमर रही है? और ये वेल्ड ट्रिमर को ट्रिमर लक्ष्मी कंपनी का है। अच्छा। मैं सर इसको ठोकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुछ दिक्कत है प्लांट में। कैसी क्या बता रहे हो, बताओ बताओ। सेकेंड हैंड रेल यूज़ करो, उससे क्या मतलब है? कट ठोकना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो नहीं है सर, रीज़न और दिया होगा ना, टेम्परेचर दिखाइए इसमें रेल लगी। सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। और ट्रिमिंग हो गई है, इसको पैर पे ना गिरे, बच गया, छटक के लग जाता होगा अंदर कभी बार। ट्रिमिंग हो गई थोड़ी सी, कितना मटेरियल दिख रहा उसमें अभी?
टॉप पे केवल ज़्यादा हो सकता है पॉइंट फोर है, गड्ढा ना हो जाए। देखते रहो ऐसे, इधर भी देखो उधर भी देखो।